तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन में, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको रियलमी 6 प्रो का पूरा फुल रिव्यू देने वाला हूँ, तो चलिए रियलमी 6 प्रो के बारे में आज देखते हैं। तो जैसा कि आप सब मेरे लैपटॉप के स्क्रीन में देख रहे हैं, ये जो रियलमी फ़ोन रियलमी 6 प्रो के नाम से आया है वो एक मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन फ़ोन होने वाला है, जिसका प्राइस रियलमी ने 17,999 रखा हुआ है, 7999। और मैं यहाँ पे जो आपको वेरिएंट दिखा रहा हूँ वो 6 GB रैम और 64 GB रोम के साथ आ रहा है। तो इसमें पहले तो ब्रांड के ब्रांड तो अपना एक ईयर का वारंटी दे रहा है, फिलहाल ये अभी आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं फ़ोन को जूम करके दिखा रहा हूँ कि फ़ोन का सामने का व्यू डुअल पंच होल के साथ आता है, तो ये काफ़ी फ़ोन को बढ़िया देखने में लग रहा है। और इसमें जो है 90 Hz का स्मूथ रेट है, अल्ट्रा स्मूथ रेट, जिसको जो फ़ोन का रिफ्रेश रेट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है, उसको ज़्यादा इंक्रीज करता है, और एक तरह से बोल सकते हैं कि हम लोग को बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा अगर फ़ोन को यूज़ करते हैं। प्रोसेसर के मामले में तो जो मैं आपको सामने यहाँ दिखा ही रहा हूँ कि ये प्रोसेसर जो है वो दिखा रहा है स्नैपड्रैगन 720G, जो बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है, जो बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है अभी फ़िलहाल के लिए। और सबसे मेन हाइलाइटेड जो मुझे फ़ोन में सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है वो है इसका 30 W का फ्लैश चार्जर, एक सुपर चार्जर है, बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन। फिंगरप्रिंट सेंसर की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें IPS डिस्प्ले लगा हुआ है, तो जिसके कारण ये एक अगर इसमें एमुलेट डिस्प्ले अगर होता तो ये फिंगरप्रिंट सेंसर मतलब कि स्क्रीन में होता, लेकिन जिसके कारण यहाँ पे IPS डिस्प्ले लगा हुआ है, तो उसके कारण साइड फिंगरप्रिंट जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखा रहा हूँ साइड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आ रहा है। और उसमें 90 Hz का रिफ्रेश रेट है जैसा कि मैंने बताया, और वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो 60 Hz पे भी चला सकते हैं या तो 90 Hz, वो आपके ऊपर है जैसा आपको पसंद आए। फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें 16 MP और 8 MP वाइड सेल्फी कैमरा है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत है, इनफ है। उसके बाद अगर बैक कैमरा की बात करें तो बैक कैमरा जो है वो 64 MP क्वाड कैमरा के साथ आता है, और ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं बहुत बेहतरीन और बहुत प्रीमियम लुक आ रहा है, जो इस फ़ोन को मेरे हिसाब से तो बहुत क्लासिक बनाता है। और जैसा कि देख रहे हैं आप, ये 20x जूम के साथ भी आता है, तो फ़ोन बहुत ही बढ़िया है। अब जानते हैं कि इसमें और क्या क्या फीचर्स, कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं तो फिर क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें 4300 mAh की बैटरी है, जो कि अगर इसमें 30 W का फ्लैश चार्जर नहीं होता तो मेरे हिसाब से ये बैटरी कुछ कम था अभी के हिसाब से, लेकिन इसमें जो 30 W का फ्लैश चार्जर है वो आपको लगता है मेरे हिसाब से 35 या 40 के बीच में आपको फुल चार्ज करके दे देगा, 0 to 100% पूरा फुल, तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है इस फ़ोन का। और रेटिंग के मामले में आप देख ही सकते हैं, कैमरा का रेटिंग है इसका 4.2, बैटरी का दिखा रहा है 4, और डिस्प्ले 3.8। हालांकि डिस्प्ले सही है इसका, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया इसका डिस्प्ले IPS है, तो IPS डिस्प्ले अच्छा है, पर इससे बहुत ज़्यादा अगर अच्छा होता कि रियलमी अगर हम लोगों को यहाँ पे एक AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड करता फिर भी क्या ठीक है जो भी है। और वैल्यू ऑफ मनी आपका रेटिंग दिखा रहा है 4.4, जो कि मेरे हिसाब से इतना तो नहीं होना चाहिए, कुछ कम रेटिंग इसे मिलना चाहिए। बाकी आप इसके कुछ कैमरा सैंपल्स मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि देखिए यही फ़ोन से ये लिया हुआ है, तो बस खुल रहा है यहाँ पे, देखिए ये सही है, ये फ़ोन से लिया गया है फ़ोटो है, तो हालांकि बहुत अच्छा फ़ोटो आता है इसमें, ये नाइट मोड में आया हुआ फ़ोटो है, ये भी बहुत बेहतरीन लग रहा है, ये दिन में आया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है फ़ोन के मेरे हिसाब से ये फ़ोन सही है। लेकिन अगर अभी के टाइम में अगर आप मेरे हिसाब से अगर इतना पैसा लगा रहे तो ये फ़ोन को छोड़ के आप ओप्पो MAX M2 Pro ये फ़ोन को ट्राई कर सकते हैं, प्राइस उसका इससे थोड़ा कम है, उसमें आपको ये AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, बैटरी सेम मिलता है, रैम रोम सेम है,
और कैमरा भी उसका अच्छा हो जाता है। पोको की तरफ से ब्रांडिंग की तरफ से आया हुआ ये वीवो फोन, बाकी आप देख लीजिए एक बार जरूर, जरा ये करके देखिएगा जरूर। और देखिए हम पीछे की तरफ से हम पीछे का ये दिखा देते हैं आपको, पीछे कैसा लग रहा है फोन। मेरे हिसाब से फोन सही है और ये दो तीन कलर में आता है, एक ऑरेंज में भी आता है और ये लाइट ब्लू है। तो आप अपना देख लीजिएगा कि आपको कौन सा पसंद आता है और वो हिसाब से आपको तो उसमें करना है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि हम एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए ले आए। और कल मेरे चैनल में एक कंपेरिजन वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए वेट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।